जैन साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के संबंध में नया अपडेट निकल कर आ रहा है। और अपडेट ये है कि हिमाचल लोक सेवा आयोग जो इस भर्ती को करवाने वाला था, उन्होंने इस भर्ती की फाइल को होल्ड कर लिया है। तो इस भर्ती की फाइल को होल्ड करने का क्या कारण है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आप बिल्कुल अंत तक बने रहें। साथियों, आप सभी जानते हैं, इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्तियां होती थी वो खुद पुलिस विभाग करवाता था, लेकिन लास्ट टाइम भी आपको पता है जो पेपर था वो लीक हो गया था। इस वजह से जो है इस बार ये भर्ती लोक सेवा आयोग को दी गई थी, लेकिन ये फाइल वहाँ पर जाकर फंस चुकी है। अगर हम हिमाचल पुलिस की इन वैकेंसीज की बात करें तो तकरीबन सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ने जो है ये नोटिफिकेशन या जो वैकेंसी है वो आउट की थी, या कैबिनेट से जो है अलॉटमेंट की थी कि इतनी वैकेंसीज भरी जानी है। तकरीबन अब आप देख सकते हैं 1 अगस्त आज है और 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फाइल इधर उधर घूम रही है फुटबॉल की तरह, लेकिन अब तक जो है इस पर कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है और यहाँ पर फाइल फिर से होल्ड कर ली गई है। तो लोक सेवा आयोग का क्या तर्क है फाइल होल्ड करने के बारे में, अगर हम उसके बारे में बात करें तो लोक सेवा आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए ये कहा कि वो जो है क्लास 3 की भर्तियाँ नहीं करवाते हैं, वो क्लास 1 क्लास 2 की भर्तियाँ कराते हैं। और हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आती है वो क्लास 3 की श्रेणी में आती है, तो वो इस भर्ती को नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए जो है फाइल होल्ड हो चुकी है। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया अब ये कब शुरू हो सकती है, जब जो है गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करें कि हम आपको परमिशन देते हैं, आप इस भर्ती को करवाइए, तो उसके बाद ही आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये भर्ती जो है एक बार फिर से कैबिनेट में जाए और उसके बाद जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है परमिशन मिलने के बाद लोक सेवा आयोग को वो जो है यहाँ पर हिमाचल पुलिस भर्ती की जो है नोटिफिकेशन आउट करे। तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन के थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्ती इस बार होने वाली है वो स्टेट कैडर होने वाली है, यानी कि अगर आप किसी भी जिले से संबंधित है, पहले होता था आप अपने ज़िले में ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार आप आउट ऑफ जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रायोरिटी का जो ज़िला रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये समस्या सुलझा ली जाएगी और आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो लगे रहें, डटे रहें, हार ना माने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।